हम देख रहे हैं कि सरकार की कोशिशों के नतीजे भी अच्छे निकलने लगे हैं। दुख इस बात का है कि इस वर्ष सर्दी के मौसम में वर्षा नहीं हुई, फलस्वरूप इस साल पैदावार भी उतनी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इस साल भी जो पैदावार है वह पिछले साल की पैदावार के बराबर हो जाएगी। पेरा मैं देखता हूँ कि इस साल गल्ले की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि गल्ले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो रोक लगाई गई है उसको हटा लेना चाहिए। अभी हमारे राज्य में बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, परंतु वहाँ पर गल्ला भेजने का कुछ प्रबंध किया गया है और लोगों को गल्ला मिल रहा है। पिछले 2 साल में कोई आदमी भूखा नहीं मरा। यह हमारे देश की सरकार के लिए बड़े ही संतोष की और बड़े गर्व की बात है। बेरा यदि अन्न की उपज हमें बढ़ानी है तो हमें पानी का प्रबंध करना होगा। उधर वर्षा की बहुत कमी है, खास तौर से मैं अपने इलाके की बात आपको बतलाना चाहता हूँ। 20 साल पहले जितनी वर्षा वहाँ होती थी उतनी ही वर्षा आज भी होती है। वहाँ नहर भी है, लेकिन नहर का पानी वहाँ नहीं जाता है। नहर के पानी को आगे ही रोक लिया जाता है। कुछ लोगों ने नलकूप भी लगा लिए हैं, जिससे लाभ हुआ है और पानी का इंतजाम हो गया है, लेकिन सभी किसानों को पानी नहीं मिलता है। उनको बड़ी परेशानी होती है। पहली योजना से मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के लिए पानी का इंतजाम किया जाए। वहाँ पर सिंचाई के लिए पानी दिया जाए, लेकिन हमेशा यही कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा बांध बन रहा है और जब वह बन जाएगा तब पानी मिल जाएगा। 3
योजनाओं में यही कहा जाता रहा है। मैं समझता हूँ कि पानी का इंतजाम होना बहुत जरूरी है। पेरा, अब आपने नलकूप पर टैक्स लगा दिया है, यह बहुत ही खराब बात है। खेती सही माने में अभी शुरू ही हुई है। जो कमी है उसको हमें पूरा करना है। जो टैक्स लगा दिया गया है उससे इस काम में बाधा पैदा होगी। मैं चाहता हूँ कि हमारे वित्त मंत्री जी से इसके बारे में बात करें, जिससे किसानों को किसी प्रकार की राहत मिले।